परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने दुबई गए सुरेश कुमार का शव शनिवार दोपहर श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया। 22 अगस्त को सुरेश कुमार परिवार के अच्छे दिनों के लिए दुबई गया था। 28 अगस्त को अचानक उसकी मौत की खबर परिवार वालों को मिली। 3 बच्चों के पिता सुरेश कुमार का शव सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखी SP सिंह ओब्रॉय अपने साथ लेकर आए। हवाई अड्डे पर सुरेश कुमार के ताबूत को देखकर उनके परिजन गम जदा हो गए। मजदूरी के लिए दुबई गए सुरेश कुमार के साथ उसके परिवार के सपने भी चकनाचूर हो गए। हवाई अड्डे में सुरेश कुमार का पर्स व उसके दस्तावेज डॉक्टर SP सिंह ओब्रॉय ने उसके परिजनों को सौंपे। ओब्रॉय ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार की मौत काम के दौरान एक घटना घटित होने से हुई है। सुरेश कुमार कहाँ काम करता था इसके बारे में कोई भी बेहतर जानकारी नहीं दे पाया। ओब्रॉय ने बताया कि वे अब तक खाड़ी के देशों से विभिन्न धर्मों के 48 नौजवानों के पार्थिव शव उनके परिजनों तक पहुंचा चुके हैं। सुरेश कुमार के शव को भारत लाने में दुबई स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पाठक का भी विशेष योगदान है। हवाई अड्डे पर सुरेश कुमार के पिता बलकारी मसीह भी उपस्थित थे। बेटे के ताबूत को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। बेटे के अंतिम दर्शनों के लिए तरस रहे परिजनों ने डॉक्टर SP सिंह ओब्रॉय का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी यत्नों से सुरेश का शव घर आया है। मौके पर सुखजिंदर सिंह हेर, मनप्रीत सिंह संधु, नवजीत सिंह घई व रविंद्र सिंह भी उपस्थित थे। लड़का है सुरेश कुमार जो कि 22 अगस्त को इतों गया से बिजली भेजे थे। उस तो बाद जॉब मिल गई सी काम कर रहा था जिसमें दसाया गया कि डॉक्टर रिपोर्ट मुताबिक कि सड़क लगी है। एक पैर फूल किया कि बिल्डिंग को छिले गिर अगले दिन सवेरे जरा पुलिस में डेड बॉडी मिले। उस तो बाद इंडियन कॉन्सुलेट मिस्टर पाठक है उन्होंने दसा रहे CID डिपार्टमेंट मैंने कॉन्टैक्ट किया दसा भी कि साढ़े जी टीम हैगी असी दो तीन दिन ला के फटाफट जो भी कार्रवाई करनी वो करके परसों जी मैं डेड बॉडी स्थापित करनी सी जाके तो उस बाद करके अब जी जाके फादर आए हुए हैं सारे नाल मैंबर आए हुए हैं तो उन्होंने नाल का सहारा भी दे रहे हैं। तो जे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ने जिन्हें डैथ सर्टिफिकेट है मेडिकल सर्टिफिकेट है जो भी है वो सारी ओरिजिनल फाइल जी असर हवाले कर रहे थे। कुछ वह पर्स वगैरह जो पेपर जो सू CID डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट में दिए थे वो भी अगर उन्होंने देते हैं। सर मैं बना ट्रस्ट वालों तकरीबन एक काम लगातार जारी है। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है किसी को इस तरह होंगे तो उन्होंने फिर अपना डेड बॉडियाँ ये तकरीबन साड़ी 48वीं डेड बॉडी जी है परिवार वाले कहते मारे गया नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट आ गया पुलिस ने सारी इंक्वायरी की है। उस तो बाद जरा मेडिकल जी रिपोर्ट आई वो भी आया पेपर साफ देखा कि एक्सीडेंट डेथ हो गई उन्होंने खिलाफ पता था। बाकी यह जरूर है कि जिस कंपनी गया से वो असी इंडियन कॉन्सुलेट मिल के असी इंक्वायरी जरूर करा कि बच्चा किस जॉब पर से क्योंकि जरा ट्रांसिट वीजा या विजिट वीजा उसे बंदा जॉब नहीं कर सकता। उसमें पहला कन्वर्ट किया जाता है इंप्लॉयमेंट वीजे उत्ते फिर ही बंदा काम करता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन तुम कराओगे अपने ड्रामा के साथ ड्यूटी भी बनती है क्योंकि असी जो सच्चाई हैगी तो सामने जाकर असी अपने पेरेंट्स को दसा जिन्नी साढ़े ट्रस्ट वाले अभी जो कर सकेंगे जरूर उसे असं पूरी अपनी कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं बलकारम सिंह मेरा बेटा सुरेश कुमार साढ़े से दो या 3 बच्चे है उतों 22 रोटी रोजगार वास्ते गया दुबई 22 तरीक इतने बैठा आ 22 सामान पहुँच गया थे उत्थे मनजीत सिंह इंजीनियर है उन्होंने लैन वास्ते आया जो लैन वास्ते आया तो बुधवार को उत्थे काम से लग गया उसके बाद पता नहीं की होया सानू की नहीं होया। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ।